हेलो चीतो, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। मैं हूं सूर्यभान सिंह राजपूत और आज के सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जेईई एडवांस के लिए जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर साल इससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। कई स्टूडेंट्स सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला को याद करके सवाल को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और कई कई बार वो जो सिंपल फार्मूलेज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ज़्यादातर जगहों पे भी यही फॉर्मूलेज मगअप करने को कहा जाता है। आई वुड रिकमेंड गाइज, आप बिना फॉर्मूला याद किए भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं इनके सवाल आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आपको इसका सवाल जेईई एडवांस में कन्फर्म बना के आना है तो यू विल बी जस्ट नीडिंग दिस वीडियो, नथिंग एल्स। इस वीडियो को इत्मीनान से आखिरी तक देखना है, इससे आपको अपने की पॉइंट्स नोट करने हैं। अब इनके अलावा आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ने वाले है। एकमात्र इस वीडियो देखने भर से आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ PYQ जेईई एडवांस की भी लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट हाउ वन मस्ट अप्रोच टू इट। चलिए, तो रेडी हैं आप लोग बहुत ही अमेजिंग चीज सीखने के लिए और कन्फर्म जेईई एडवांस में अपना एक सवाल बुक करने के लिए। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट राइट, चलिए शुरू करते हैं। चीतो, पर याद रखना है ना, जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। क्लियर है कि नहीं है? मेक श्योर करना है क्या कि आप अपनी कॉपी पेन बेटा लेके बैठे और जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा आप नोट डाउन करते जाएं, ताकि आप जब रिवाइज करें वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज आप यही वाले नोट्स रिवाइज कर लें। दैट्स मोर देन सफिशिएंट। कन्फर्म आपके इस टॉपिक पढ़ने भर से आपके एक सवाल कन्फर्म। राइट, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, वही जितने लोग ये वीडियो देखे बेटा, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और बूम बूम JEE 23 जरूर लिखेंगे आप लोग। राइट बेटा, आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो भी लिख के बता सकते हैं, पर बूम बूम होंगे, पर हम थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर के सवाल को करने के लिए। राइट राइट सर, चलिए सबसे पहले तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपने सिर्फ देसी भाषा में बोलूं ना छोटे, तो अगर तेरे को नापना आ गया ना तबीयत से, है ना, मतलब फील से नापना आ गया ना, फॉर्मूले से नापना नहीं, फॉर्मूले से सब नाप लेते हैं, फील से नापना आ गया तो समझ में आ गया ना भाई क्या चल क्या रहा है, सिंपल सिंपल गणित से, है ना, तब तू इसमें मास्टर बन जाएगा। राइट, तो देख कैसे। क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूं मोटे मोटे तौर पर, दो डायग्राम दे रखे हैं, एक एरर डायग्राम है, एक मेजरमेंट का डायग्राम दे रखा है, और आपको बेसिकली इन दोनों डायग्राम को देख के ये पता करना था कि भाई साहब इन दोनों डायग्राम को देख के आप एक्चुअल या फिर ट्रू रीडिंग क्या होने वाली है। हम लोग कई बार मगअप कर लेते हैं फार्मूला, लीस्ट काउंट का ये फार्मूला होता है, ट्रू रीडिंग ये होता है, सीधे फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं और आंसर हमारा गलत आ जाता है और गलत वाला आंसर भी ऑप्शन में दिया होता है। तो इसीलिए कई बच्चों के साथ ये गलती हुई थी। राइट, कई स्टूडेंट्स ने सवाल पे 3.17 सेंटीमीटर कोट किया था आंसर, बट दिस इज 3.15 सेंटीमीटर। तो अभी तक आपने ये सवाल नहीं किया है, मेक श्योर करें वीडियो के आगे बढ़ने से मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, एक बार उसको अटेम्प्ट करें तब वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट सर, आइए देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर होता क्या है, स्क्रीन में आपके सामने बता रखा है, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर बता रखा है, यहाँ पे नॉर्मल स्केल बना रखा है। राइट राइट, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ये जो पेंसिल रखी है इस पेंसिल की लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलते, सीधे बोलते सर एक दो, है ना, गिनते आप, है ना, देखो ये 5 है, ये 10, सर 1 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सर 3.5 सेंटीमीटर मुझे लग रही है ना, 3.4 सेंटीमीटर से लेके, ध्यान से देखो बेटा ना आपके, 3.4 सेंटीमीटर से लेके सर 3.5 सेंटीमीटर के बीच में, बट तू 4 और 5 के बीच में कंफ्यूज है ना, तू 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 बोल नहीं सकता कि 3.41 होगा, 3.43 होगा कि 3.50 होगा, चमका क्यों क्यों क्यों, बता बता बता, सोच जरा। हाँ सर, ये बात तो सही बोले हो आप, इसलिए क्योंकि सर बीच में तो खाली एरिया, मुझे तो पता ही नहीं खाली एरिया में निब जो पेंसिल की वो कहीं भी रह सकती, बिल्कुल सही। सो बेसिकली इसके अंदर एरर का कितनी संभावना है, इसके अंदर एरर की संभावना जो है वो पूरी की पूरी 1 mm की है,
क्योंकि 1 mm के बीच में निब कहीं भी रह सकती है। तो जो नॉर्मल आपका स्केल होता है इसके अंदर जो लीस्ट काउंट एरर होता है प्यारे बच्चों, कौन सा बेटा? लीस्ट काउंट एरर, वो कितने का है? 1 mm का है, याद रखेंगे आप, राइट? तो किसी भी स्केल के अंदर लीस्ट काउंट एरर क्या हो सकता है? अच्छा सर, वो मिनिमम लेंथ जो स्केल मेजर कर पाए वही उसका लीस्ट काउंट एरर होगा। क्यों? क्योंकि उससे कम तो वो कुछ भी मेजर नहीं कर सकता। तो याद रखना, फॉर एनी मेजरिंग डिवाइस, व्हाट इज द लीस्ट काउंट एरर? द मिनिमम लेंथ। क्या बोलूं बेटा मैं? द मिनिमम लेंथ, लिखते जाना कॉपी में बेटा, ना पॉज करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से ये पूरा टॉपिक आपको सीखना है। द मिनिमम लेंथ, राइट, और द मिनिमम मेजरमेंट बाय डिवाइस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट। Is least count error, is least count error. Okay, चीतो, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल सही बोला सर, 3.4 था, 3.5 था, मैं पता थोड़ी ना था सर 3.4 से 3.5 के बीच में कहां लाई करेगा, इसीलिए सर आपने बोला 1 mm, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सॉर्टेड है। इसीलिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर ये चीज हमको स्पेसिफाई करके बता देता है कि मेरे भाई 3.4 के अगली जो डिजिट है वो क्या होने वाली है, राइट? याद रखेंगे लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट इन वर्नियर कैलिपर जो जनरल यूज किए जाते हैं ना, जो जनरल यूज किए जाता है, जनरल यूज किए जाते हैं मतलब 9 MSD में 10 VSD वाला जनरली यूज किया जाता है, राइट? तो वो लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं, देखना ध्यान से। अब सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को देखिएगा, सबसे पहले किसको देखिएगा बेटा आप? वर्नियर कैलिपर को देखिएगा, राइट? वर्नियर कैलिपर को आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं क्या कि एक यहां पे मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर एक वर्नियर स्केल होता है। क्या होता है बेटा? एक मेन स्केल के ऊपर कौन सा स्केल होता है बेटा? वर्नियर स्केल होता है। देखो ध्यान से, राइट राइट सर, यहां देखना ध्यान से बच्चे, ये ऊपर इंटरनल जॉज है, ये एक्सटर्नल जॉज है, राइट? इन जॉज के बीच में किसी भी चीज को अगर मेजर करना है इन जॉज के बीच में अपन रख सकते हैं, ये किसी भी चीज का डायामीटर जरूर बता देंगे आपको, और किसी चीज का इंटरनल रेडियस पता करना है तो आप इस सिलेंडर को यहां पे ऐसा रख सकते हैं। इनके बीच में मान लो अगर मैंने कोई गोल सा स्फीयर रख लिया तो ये इसके डायामीटर को बता देगा मेरे भाई कि डायामीटर कितना है। ऐसे ही मान लो अगर यहां पे सिलेंडर का इनर रेडियस आपको पता करना था, क्या पता करना था बेटा? सिलेंडर का इनर रेडियस, तो आप इसको ऐसे रख सकते थे, करेक्ट है? और ये जो होता है, देख रहे हो, ये नॉर्मल मेन स्केल है, नॉर्मल अपना जैसे मेन स्केल होता है, राइट? इसके ऊपर है वर्नियर स्केल, है ना? ये वर्नियर स्केल है, ये लॉकिंग स्क्रू है, ये स्लाइडेबल होता है। वर्नियर स्केल कैसा होता है बच्चों, याद रखना, स्लाइडेबल होता है। अच्छा, वर्नियर स्केल अगर स्लाइडेबल होता है मतलब ये मेन स्केल पे प्यारे बच्चों स्लाइड कर सकता है, चीते मेन स्केल पे क्या कर सकता है? ये स्लाइड कर सकता है। अच्छा 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 अच्छा, तो सर लीस्ट काउंट क्या होता है, आप उस पर चलते ना, काम समझ में आया कि नहीं, कैसे मेजर कर पा रहे हैं बेटा अपन? कुछ नहीं, ये यहां पे स्लाइड कर सकता है और जितनी दूरी इसका जॉ चला होगा उतना उसकी लेंथ होगी, जो भी इसके अंदर चीज रखी गई है उतना उसकी डायमीटर होगी। अब लीस्ट काउंट को ध्यान से समझना ना, मजा आएगा। अगर यहां तुमने गलती करी समझने में तो दिक्कत है, है ना? हम हमेशा रट लेते हैं लीस्ट काउंट इज व्हाट बेटा? 1 mean scale division - 1 vernier scale division, which is absolutely false. Yes, it is right in some cases, but it is not always right. Right? देखना कैसे मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से देखना ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। लीस्ट काउंट क्या है सर, आपने अभी बताया मेरे को ना, मिनिमम मेजरमेंट है ना, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ अ स्केल इज अ लीस्ट काउंट, बिल्कुल सही है सर। तो मैं काम करता हूं, मैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों के डिवीजन को बनाता हूं। तो मैंने देखो यहां पे बना रखा है 10 मेन स्केल डिवीजन में 11 वर्नियर स्केल डिवीजन है। सबसे पहले 10 मेन स्केल डिवीजन देखिए कहां पे, ऊपर वाले येल्लो वाले है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर हो गया? उसमें 11 वर्नियर स्केल, एक देखो, अब 10 में 11 चीजों को फिट करना है तो हर एक चीज हल्की हल्की आगे होगी कि नहीं होगी बेटा? बिल्कुल होगी। तो देखना बच्चों, ये आगे होगी, हल्की सी आगे है ना, मतलब देखो व्हाइट वाली लाइन येलो वाली लाइन से हल्की आगे, देखना, फोकस रखना है पूरा, ठीक है बच्चे?
फिर और आगे हुई थोड़ी सी, ये थोड़ी और आगे होगी, ये और आगे होगी, ये और आगे होगी, ये और शिफ्ट होके पूरा का पूरा ये अलाइन हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देख ले इसे, ध्यान से देख ले, बिल्कुल भी नाटक नहीं चाहिए मुझे, आराम से देख छोटे से। तो देख 10 सांचों में तुझे 11 सांचे फिट करने हैं, तो जो 11 सांचों वाली एक्सेस है वो थोड़ी थोड़ी अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो ध्यान सुनना, तो किसी चीज के मेजरमेंट में, किसी चीज के मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो कितना आएगा? देखना ध्यान से, ये जो पहला वाला मिनिमम गैप है, मैं इसको जूम कर रहा हूं छोटे, क्या कर रहा हूं इसको मैं जूम कर रहा हूं 2x स्कोप लगा के, ये रहा आपकी व्हाइट लाइन, सॉरी कलर के साथ होगा बेटा चिंता नहीं करो, ये आपकी व्हाइट लाइन है और एक आपकी येलो लाइन है, राइट, एक आपकी येलो लाइन है, पहला वाला एकदम पहले वाले को बना रहा हूं मैं, एकदम पहले वाले को। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, क्योंकि भाई यहां तक मैं श्योर हूं, बोलो यस और नो, ये श्योर है, ये अनश्योर है भाई, इसके बीच में कहीं पेंसिल की निब होती तो इसको मालूम ही नहीं चलता, तो ये लीस्ट काउंट होता। तो लीस्ट काउंट को याद कैसे रखना है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, द मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय वर्नियर स्केल टू गेट अलाइंड विद मेन स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। डेफिनेशन क्या बोला है? याद रखना, ये मिनिमम डिस्टेंस है। देखो सोचो, अगर वर्नियर स्केल को कितना शिफ्ट करोगे, वर्नियर स्केल को अगर थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, इतनी डिस्टेंस शिफ्ट करोगे, तो ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही सर, तो यही इसका क्या हो जाएगा बेटा? लीस्ट काउंट। डेफिनेशन क्या याद रखनी है? डेफिनेशन आपको याद रखनी है लीस्ट काउंट की, क्या लिख दूं बेटा बताओ मैं? द मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय What? Vernier scale. Moved by vernier scale. To get aligned with main scale is called LC or least count. Perfect. Perfect. तो ध्यान से देखना, LC कैसे निकालूंगा, है ना? ये दोनों का जीरो था, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा बताओ? इट इज 1 MSD। बिल्कुल सही सर, ये मेन स्केल डिवीजन है ऊपर वाला, राइट। ये कितना है सर? ये तो है 1 VSD, करेक्ट है कि नहीं? और ये सर क्या बोला आपने, इसको LC बोला था? बिल्कुल सर, तो क्या लिख सकता था? यहां से यहां तक की लेंथ है 1 MSD शुड बी इक्वल टू, इन दोनों लेंथ का सम 1 VSD प्लस लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना हो चुका है? 1 MSD माइनस 1 VSD। चमका कि नहीं चमका? तो क्या ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है? नहीं, ये तभी वैलिड है जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो। अभी मैं दूंगा, अभी इसके एग्जांपल दूंगा, तेरे को मजा आएगा भी ना, आराम से देखते जाओ ना। तो क्या सीखा अभी सर ने? क्या सीखा सर ने? क्या सीखा सर ने? ये सिखाया, अरे भाई जितना मिनिमम वर्नियर स्केल को चलना पड़े किसके साथ अलाइन होने में, किसके साथ अलाइन होने के लिए, इस भाईजान के साथ अलाइन होने के लिए, हाँ, मेन स्केल डिवीजन के साथ, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो एक बात बता, सुन ध्यान सब सुन, ये यहां पे एक लीस्ट काउंट आगे है, तो दूसरे वाले पे कितना लीस्ट काउंट आगे होगा? 2 LC आगे होगा कि नहीं आगा? हाँ, पहला वाला अगर LC था, दूसरा वाला उसी प्रोपोर्शन में शिफ्ट होगा ना। 2 LC 3 LC 4 LC 5 LC 6 LC 7 LC 8 LC 9 LC, ये पूरा प्रॉपर गैप 10 LC का। तो जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, वो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही ना। चमक का क्या बेटा? बिल्कुल सही सर। कोई समस्या क्या बेटा? बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़े, बिल्कुल सही छोटे, देख ध्यान से। अच्छा सर, तो सर ये क्या फॉर्मूला सही है क्या सर? लीस्ट काउंट का 1 MSD माइनस 1 VSD इस केस के लिए सही है। अगर मान ले किसी ने ऐसा लिखा होता, देख ध्यान से, अब मजा आएगा तुझे। मान ले किसी ने बोला होता कि भाई देख, 4 मेन स्केल डिवीजन में 9 वर्नियर स्केल डिवीजन है। क्वेश्चन समझना ध्यान से बेटा, यही है कैच। 4 मेन स्केल डिवीजन में 9 वर्नियर स्केल डिवीजन है, देन फाइंड द लीस्ट काउंट, देन फाइंड
द लीस्ट काउंट। अगर तुमने यहां तीरंदाजी करी, तुमने क्या बोला देखना ध्यान से, तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे अच्छा सर लीस्ट काउंट निकालना है। अगर तुमने बोल दिया लीस्ट काउंट इज व्हाट 1 MSD माइनस 1 VSD, तो आंसर तो दिया रहेगा पर आपका मैटर क्लोज हो चुका होगा, माइनस 1 हो चुके होंगे। चमका क्या बेटा, क्यों? क्योंकि देखना ध्यान से, 4 MSD में 9 VSD है, मतलब क्या है? इधर देखेंगे सब लोग आराम से, मतलब भाई एक मेन स्केल डिवीजन में एटलीस्ट 2 तो वर्नियर स्केल डिवीजन होंगे कि नहीं होंगे बता। 4 × 2 = 8 होता है ना, एक मेन स्केल डिवीजन में कितना है 9/4, 1 मेन में कितना होगा 9/4 VSD होगा कि नहीं, ये 2 से ज्यादा तो ज्यादा है। हाँ यार बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, मतलब 2 से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सर 2 से ज्यादा होंगे। मतलब क्या मैं बोलूं, वर्नियर स्केल को मिनिमम कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, इतना शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई, तब जाके ये इससे अलाइन होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, द मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय, द मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द वर्नियर स्केल टू गेट अलाइंड विद मेन स्केल इज द लीस्ट काउंट। तो यहां पे देख ध्यान से, एक के अंदर मिनिमम 2 आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल, तो कितना डिस्टेंस है, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, वापस से लेंथ वाली अप्रोच लगाऊंगा मैं, क्या लिखूंगा, यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है 2 VSD, ये कितना है लीस्ट काउंट, ये कितना है 1 MSD, तो 1 MSD शुड बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा बच्चों बताओ सर, 2 VSD प्लस लीस्ट काउंट, दैट्स व्हाई लीस्ट काउंट इज व्हाट 1 MSD माइनस 2 VSD। देखो अगर ये आपको समझ में आया तो बोलिए तब मजा आया, और जैसे ही तुमने ये फॉर्मूला लगाया होता मैटर क्या हो चुका होता, क्लोज हो जाता। इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा बताओ मुझे, व्हाट विल बी द आंसर, चलो निकाल ही लेते हैं बेटा, मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा ना ताकि आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, लीस्ट काउंट निकाल लेना है ना, बताओ क्या होगा, व्हाट इज 1 MSD, 1 MSD इज 1 MSD, लेट अस से लीस्ट काउंट इज व्हाट MSD माइनस व्हाट इज VSD बेटा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज VSD, 1 VSD इज 4/9, करेक्ट है MSD, व्हाट इट विल गिव यू, इट विल गिव यू 1 - 8/9 VSD, सॉरी नॉट VSD MSD। पहली चीज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखी है बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखी है आपने, तो LC क्या हो जाएगा मुझे बताओ बच्चों, 1/9 MSD, सो दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। इससे करते तो क्या आता सोचो, क्या आता 1 - 4/9 - 5/9 आंसर होता, और मैटर क्या हो जाता आपका, क्लोज हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, अब तो आप समझ गए ना, अब तो हैक ही खत्म हो गया, अब हैक ही बचा, क्या ही बचा बताओ, मान लो अगर बोला होता, मान ले अगर बोला होता बता कि भाई 4 MSD में आया ना 14 VSD है, तो बताओ लीस्ट काउंट कितना है, तो सीधे 4 का मल्टीपल क्या है 4 × 3 = 12, यानी 1 MSD में मिनिमम 3 VSD तो होगा ही, तो 3 VSD प्लस लीस्ट काउंट, सीधे कहानी का दम 3 VSD प्लस लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD, मैटर क्या हो चुका है चीतो, क्लोज हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में मैटर क्लोज तो जरूर लिखेंगे गाइस, ये कितना हो जाएगा बेटा MSD कॉमन 1 - 3 times, सो व्हाट इज VSD बेटा, दैट इज 4/14 MSD, कितना हो जाएगा 14 में से 12 गया 2, नॉट MSD, हाँ 2/2, सो दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू अप्रोच वेन एवर अ लीस्ट काउंट कम्स। तो हमने क्या सीख लिया है कि व्हाट इज एक्चुअली अ लीस्ट काउंट, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया चीज़, चले आगे की तरफ, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अब बात करेंगे अपन ट्रू रीडिंग की, बात किसकी करेंगे अपन, अब ट्रू रीडिंग की, कि एक्चुअली में रीडिंग होगी क्या। तो रीडिंग यार दो तरीके हैं जो मैं प्रेफर करता हूं, मैं ऑब्वियसली मैं फॉर्मूला मगर प्रेफर नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप रीडिंग को स्केल बाय स्केल करें, है ना, कैसे स्केल बाय स्केल करेंगे देखना ध्यान से। यार अगर सिर्फ स्केल का मेजरमेंट ले लूं मैं, मतलब समझ लो जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ है ना, जो एक्चुअल लेंथ है उसका मेजरमेंट अगर निकालना हो तो देखो मैं कैसे निकाल सकता हूं, ध्यान सुनो, पहले तो फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं। तो पहली चीज तो ट्रू रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, सबसे पहली बात करते हैं ट्रू रीडिंग क्या होगी,
तो यार मेन स्केल दिक्कत कहाँ आई है बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तब आ रही है मेन स्केल तक तुमने पढ़ लिया है, मेन स्केल के बाद वर्नियर स्केल आप पढ़ना चाहते हो, हाँ या ना? और आपको पता है, आपको पता है, आपने अभी मैंने सिखाया, अभी मैंने सिखाया। मान ले बेटा अगर ये वाला, ध्यान सुनना, ये वाला वाइट इस येल्लो के साथ जाके अलाइन हुआ होता तो तेरे को पता चल जाता क्या वर्नियर स्केल कितना शिफ्ट हुआ है? हाँ सर, अभी आपने बताया क्या, अगर पहला डिवीजन होता तो 1:LC शिफ्ट हुआ था, दूसरा होता तो 2:LC, तीसरा हुआ था तो 3:LC। ये कौन सा था सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 चला होगा सर, ये वर्नियर स्केल 6:LC चला होगा। तो मेन स्केल की रीडिंग अपन ने कर ली ऑलरेडी, हाँ या ना? उसमें 6:LC ऐड कर दोगे तो क्या पता चल गया कि भाई वर्नियर स्केल और कितना शिफ्ट हुआ है, तो वो बीच वाला गैप पता चल गया कि नहीं छोटे तुझे। तो तुझे क्या लिखना चाहिए था बता, तुझे लिखना चाहिए था 2 रीडिंग इज नथिंग बट मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, हा या ना बेटा, इनटू अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन, जो भी नंबर, जो भी वर्नियर स्केल डिवीजन अलाइन हुआ, करेक्ट है या नहीं है बेटा? यही 2 रीडिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही। पर याद रहे एलसी इज नॉट ऑलवेज व्हाट बेटा, 1 MSD - 1 DSD। परफेक्ट इंफॉर्मेशन सर, नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग नाउ। अभी एरर आएगा, अभी तो बस सिंपल सी 3 चीज निकाली, क्लियर है? और एक और तरीका होता है, क्वेश्चन के आएगा तब मैं बताऊंगा, और एक और मेथड होता है, या आइदर यू जस्ट अप्लाई दिस वन इफ यू कैन अप्लाई, और इट्स बेटर राइट? क्या है, मान लो ऐसा कोई स्केल है और ये नीचे है वर्नियर स्केल, ये नीचे क्या है बेटा, वर्नियर स्केल, और यहां पे कहीं जाके अलाइन हो चुके हैं, यहां पे कहीं जाके क्या हो चुके हैं बेटा, अलाइन हो चुके हैं। तो ध्यान से सुन ऑब्वियसली बेटा ये है ट्रू रीडिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रू रीडिंग राइट, दिस इज अलाइंड वैल्यूज, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं बेटा, दिस इज अलाइंड रीडिंग है ना। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे बेसिकली ये ट्रू रीडिंग निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, क्या मैं ये भी कह सकता था क्या, देख ध्यान से, ये टोटल लेंथ में से इतनी लेंथ घटा दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, देख ले इतनी ना, बहुत अमेजिंग ट्रिक है, बहुत ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है। क्या बोला मैंने बता, इस टोटल लेंथ में से अगर ये लेंथ में घटा दूंगा तो ये लेंथ नहीं पता चल जाएगी क्या? बिल्कुल सही। तो क्या लिख सकता हूं देखना, एक और फॉर्मूला, ट्रू रीडिंग इज नथिंग बट टोटल रीडिंग ऑन मेन स्केल राइट, टिल टोटल रीडिंग ऑन मेन स्केल का मतलब क्या है, कब तक के लिए बेटा, कहां तक, टिल मेन स्केल का डिवीजन कौन सा, वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ अलाइन ना हो जाए, टिल डिवीजन आर अलाइंड, करेक्ट है कि नहीं? माइनस ये क्या होगा बताओ, माइनस ये क्या है, ये कौन सी लेंथ, रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा, अभी रुकते जाओ और मजा आएगा तुम्हें एकदम, वर्नियर स्केल, ये बेटा ये दिखने में छोटू सा लग रहा है भाई, लेकिन बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपने पर कच्चे उड़ा दिए ट्रू रीडिंग, कैसे कैसे करना है देख रहे हो आप। एक और मेथड है, ट्रू रीडिंग मेरे को तो इससे बेस्ट और लगता है, इससे भी एक और बेस्ट है, पूछो क्या, देना ध्यान से, ये भाई ये वर्नियर स्केल ही तो मूव कर रहा है, अगला वाला तो जॉ फिक्स है, तो मैं सीधे बोलता हूं भाई, मैं तो सीधे बोलता हूं क्या, द लेंथ मूव्ड बाय 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज एक्चुअली द ट्रू रीडिंग। सोचो पहले कहां था इसका 0, पहले कहां था, येलो यहां, पहले यहां था, बिल्कुल, और जितना शिफ्ट हुआ है मेरे भाई वही तो ट्रू रीडिंग है कि नहीं है, बस ये चीज याद रखो, खत्म कहानी। तो सीधे क्या बोलूंगा मैं,
और टू रीडिंग इज द लेंथ मूव्ड बाय जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मैटर इज क्लोज्ड। ये तीन डेफिनेशन सूर्या सर ने बताई है। कितनी डेफिनेशन बताई है चीतो? तीन डेफिनेशन टू रीडिंग को करने की। आपको जो मन पड़े आप उससे जाइएगा। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दिस और दिस, नॉट इवन रिकमेंड दिस वन, ओके। आई विल ऑलवेज रिकमेंड दिस और दिस। और लीस्ट काउंट मैंने आपको बता दिया चीतो। क्या बताया लीस्ट काउंट के बारे में बेटा? सर मैंने आपने बताया मुझे लीस्ट काउंट के बारे में, इट इज नॉट ऑलवेज वन एमएसडी माइनस वन। यस। अब एरर को पिक्चर में लेके आते हैं। यहां तक तो बिल्कुल सबको समझ में आया होगा, राइट? अब आते हैं अपन एरर्स के बारे में। किसके बारे में आते हैं बच्चों? बात करते हैं अपन एरर्स के बारे में, है ना? जीरो एरर के बारे में, इनफैक्ट नॉट एरर, जीरो एरर लिख लीजिए टॉपिक का नाम, जीरो एरर। अब जीरो एरर भी दो प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है जीरो एरर बताओ मुझे? दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव जीरो एरर होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है। सबसे पहले नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है क्या और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है क्या? पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब यह है, ये जॉ अगर फुली क्लोज्ड है, फुली मतलब जीरो के साथ जीरो अलाइंड है, तो जीरो एरर, कोई भी एरर नहीं है, जीरो एरर, करेक्ट है कि नहीं? इफ दीज टू जीरोज आर अलाइंड विद ईच अदर, कोई भी एरर नहीं है। मान लो मशीन में कोई दिक्कत है ना, वो एलो पूरा का पूरा उसके साथ अलाइन होता ही नहीं है, वो थोड़ा आगे पीछे रहता है ना, बदमाश टाइप का। अगर आगे रहता है मतलब वर्नियर स्केल पे पहले से ही कुछ ना कुछ रीडिंग है, और कुछ ना कुछ अगर वो रीडिंग है तो एरर है वो। वो जब मेजर करेगा तो भी एक्स्ट्रा रीडिंग ही तो देगा ना, वो जो पहले से ही जो डिस्टेंस बना हुआ था, बिल्कुल सही, तो वो एरर कहलाएगा पॉजिटिव एरर। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एरर। देखना ध्यान से, डायग्राम आपको याद रखना, क्लियर है? दिस इज जीरो ऑफ मेन स्केल एंड दिस इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, क्लियर है बच्चे? दिस इज जीरो ऑफ मेन स्केल, दिस इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अगर ये आगे है तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहा जाएगा बेटा? ये पॉजिटिव जीरो एरर, क्लियर हो गया? एंड दिस डिस्टेंस विल बी ई। If error is positive, मतलब calculation में भी वो positive error देगा, correct है कि नहीं? तो उसको correct करने के लिए इस e को घटाना पड़ेगा original term से, समझ रहे हो ना? पहले ज्यादा length दे रहा है, actually में length है 4.32 centimeter, दे रहा है 4.34 centimeter, तो 0.2 को घटाना पड़ेगा ना मेरे भाई, याद रखना। If error is positive, then correction will be negative. Correction कैसा होगा बेटा? Minus e। इनफैक्ट इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये मेथड आता है ना बेटा, एरर वेरर की भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजा आने वाला है। पर ये तो ठीक है, पढ़ाने के नाम पे पढ़ाना तो पड़ेगा दोस्त। हाँ या ना, बिल्कुल सही। आगे चल अगला याद रख, जीरो ऑफ मेन स्केल है, क्लियर है कि नहीं बेटा? और वर्नियर स्केल थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया मतलब रीडिंग पहले ही कम दे रहा है, तो इसको कहते हैं क्या बेटा? दिस एरर इज नेगेटिव जीरो एरर। दिस एरर इज नेगेटिव जीरो एरर। इफ दिस एरर इज अ नेगेटिव जीरो एरर, देन करेक्शन शुड बी व्हाट? करेक्शन शुड बी पॉजिटिव। करेक्शन इज पॉजिटिव। करेक्शन कैसा है? पॉजिटिव। बट अब मेजर कैसे करेंगे एरर को? एरर का मेजरमेंट क्या है? तो याद रखना बेटा, मैं तरीका आपको बता रहा हूं, मेजरमेंट ऑफ एरर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया बेटा आपके पास? मेजरमेंट ऑफ एरर। मेजरमेंट ऑफ एरर, इसको ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से समझना ना, बहुत अमेजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा है बेटा ना, थोड़ी सी देर की बात है, अगर तू पूरी चीज समझ गया, दो चार क्वेश्चन कर लिया, ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया है ना। पेशेंस रख अपने पास, है ना, पेशेंस रख, राइट? और अभी अभी मान ले, अभी थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है, छोटे कमेंट कर, बूम बूम J23 अपने आप आ जाएगा अंदर से कॉन्फिडेंस, समझा चीते? चल हर हर महादेव, चल शुरू करते। देख बेटा, मेजरमेंट ऑफ एरर। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों जॉस क्लोज है, तब तो कोई एरर नहीं है, बट इनिशियली मान लो अगर थोड़ा सा मतलब वर्नियर स्केल वाला हल्का सा आगे है,
तो कोई ना कोई मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल से अलाइन हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। बिल्कुल सही। और जो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से अलाइन हो रहा होगा, मतलब वो चला कितना होगा, उस नंबर को अगर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना चला होगा कि नहीं चला होगा। अभी मैंने सिखाया था छोटे, देख ध्यान से, 1LC, 2LC, 3LC, 4LC, 5LC, अगर ये इससे जाके मिल गया है तो कितना चला होगा, 5LC, वही क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो याद कर फॉर पॉजिटिव एरर, याद रखना मेजरमेंट के लिए ना, फॉर पॉजिटिव एरर इट इज व्हाट बेटा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है क्या बेटा, अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या बोलती बंटे की पब्लिक, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या छोटे, चमका क्या, जल्दी बोल चीते। हाँ सर, चमका। लेकिन अब यहां बच्चे फिर गलती करते हैं, नेगेटिव एरर के लिए भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं, इसीलिए वो 2021 वाला सवाल लोग गलत करके आए। अब ध्यान सुन छोटे, एक बात बता मुझे, ये आगे चलेगा, अगर फील करना छोटे, फील करेगा तभी मजा आएगा जीवन में, ये नीचे वाला स्केल अगर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला स्केल अगर मान ले वन लीस्ट काउंट आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, कौन सा लीस्ट काउंट आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, वन लीस्ट काउंट, तो कौन सा वाला मैच करेगा बता, ये आगे शिफ्ट होगा, ये इससे मैच तो नहीं करेगा, पीछे से मैच करेगा, बोल हाँ या ना। सर नाइन्थ वाला मैच किया यार, पहला तो मैच किया ही नहीं, एक लिस्ट काउंट चलने पे। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, उनको लगता है अरे नाइन्थ वाला मैच कर गया है तो 9 into लिस्ट काउंट इसका एरर है। अरे बेवकूफ आदमी, समझ में आया क्या गलती हो रही है, दोबारा सोच गिव इट अ थॉट भैया। अगर नीचे वाला आगे चलेगा सूर्य भैया, तो आप एक बात बताओ भैया, ये वाला तो इससे मिल तो सकता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है छोटे। तो क्या मैं बोल दूं भैया, ये वन लीस्ट काउंट जो है ये पीछे से अलाइन हुआ होगा, बिल्कुल बोल बेटा, बिल्कुल बोल, पीछे से अलाइन हुआ ना, पर चला तो कितना ही है, 1LC चला है ना, 9LC थोड़ी ना एरर लिख देगा। तो फॉर अ नेगेटिव एरर ऑलवेज राइट दिस थिंग, ध्यान सुन, सो फॉर नेगेटिव एरर अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन, तो समझ में आ रहा है कौन सा वाला है, नाइन्थ वाला अलाइन है, उसको किससे माइनस करना पड़ेगा, मुझे बता बेटा उसको किससे माइनस करना पड़ेगा, जरा फील कर, तुझे कितना चाहिए था, मान ले 1 mm नेगेटिव एरर है, 1 mm कैसा है बेटा, नेगेटिव एरर है। अगर 1 mm नेगेटिव एरर है तो 1 mm को कैसे लिख सकता था, 1 mm को लिख सकता था बेटा 10 - 9, क्लियर है कि नहीं, इसको 1 mm लिख सकता था कि नहीं लिख सकता, जरा सोच, आराम से सोच, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं लिख दूं, इट विल बी नथिंग बट 1 mm माइनस लीस्ट काउंट इनटू अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या बच्चों ये फॉर्मूला याद रहेगा ताकि आप गलती ना करें, बिल्कुल सही, हमें कोई भी समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। सो इफ दिस इज द एरर, नाउ व्हाट विल बी द ट्रू रीडिंग, प्यारे बच्चों खत्म हो चुका है आपका वर्नियर स्केल, ट्रू रीडिंग विल बी गिवन बाय मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है बेटा, इन दोनों के प्रोडक्ट को वर्नियर स्केल रीडिंग भी कहते हैं, VSR भी कहते हैं बेटा, लिख लेना ना, और यहां पे लिख दूंगा प्लस माइनस ई। क्यों लिख दिया सर आपने, प्लस ई तब लिखोगे जब एरर नेगेटिव होगा, प्लस ई कब लिखोगे, जब एरर नेगेटिव होगा, क्योंकि फॉर नेगेटिव एरर करेक्शन इज पॉजिटिव, और माइनस ई कब लिखोगे, जब एरर पॉजिटिव होगा। बस छोटे, तूने अगर इतना सीख लिया ना जो अभी तेरे को बोर्ड पे पढ़ाया मैंने, तो किसी भी सवाल का मैटर क्लोज कर सकता है वर्नियर स्केल डिवीजन में, जैसे
पहला सवाल तेरी स्क्रीन पर पूरे 10 रुपयों के लिए। भागने मत लग जाना। सर नंबर ये रहा मेरा, पेटीएम कर दीजिए 10 रुपीज। सर मैं समझ गया, क्लियर। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। आराम से ना, एकदम इत्मीनान से सवाल को करेंगे, इसी सवाल से 90% तुम्हारी जद्दोजहद दूर हो जाएगी। देखो क्या है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल का 0.1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, राइट। सो 10 डिवीजन 10 VSD इज 9 MSD। मैं एग्जामिनर होता ये देता ही नहीं, मैं 2 से ज्यादा वाला देता था कि लीस्ट काउंट ही गलत निकालते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। अच्छा, द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर विद नो गैप बिटवीन इट्स जॉज। ओके, द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। ये है मेजरमेंट। ये किसके लिए है बेटा डायग्राम? मेजरमेंट के लिए डायग्राम है बच्चों। और ये एरर डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है बच्चे? एरर डायग्राम है। अच्छा, एरर देख के पता चल रहा है क्या आपको बेटा? एरर देख के क्या पता चल रहा है आपको, किस टाइप का एरर है? सर ये तो आगे निकला हुआ है, दिस इज अ नेगेटिव एरर। तो चलो पहले एरर कैलकुलेट करता हूं मैं कि एरर कितना होने वाला है। करेक्ट है? करेक्ट है। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो मैच करते, देखते कहां मैच हो रहा है। सर 1 2 3 4 5 6, सर यहां पे परफेक्ट मैच हो गया, दिख रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन मैच कर रही है। येलो वाली बच्चों ध्यान से देखो, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली एकदम क्लीन मैच कर रही है, मैच कर रही है। तो क्या इसका एरर? दो बच्चों ने गलती करी थी, इन्होंने लिख दिया सर जी एरर तो है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय 6। और यही मैटर क्या हो चुका है, क्लोज। गलत है। कैसे गलत है बेटा बताओ मुझे? सर ये ऐसे गलत है, ध्यान सुनना, सर ये ऐसे गलत है बिकॉज सर ये नेगेटिव एरर है। सर नेगेटिव एरर का एक्चुअल में मतलब क्या है? सर पीछे से काउंट कर लो आप, ज्यादा बेटर है। किससे काउंट करना आपको? पीछे से। तो 1 2 3 4 पीछे से काउंट, 9 9 9 आया था, 9 पीछे से क्या था, 10 माइनस 1 था कि नहीं था, तो यही याद करना है। करेक्ट है कि नहीं है बेटा? तो ये एरर गलत है बेटा। इसका एक्चुअल एरर क्या होगा? दिस एरर ई विल बी गिवन बाय 4 times of least count. क्या फील कर पा रहे हैं आप लोग बेटा? And this will be negative. And this will be negative error. समझ में आया कि नहीं बेटा? ये समझना बहुत जरूरी था आपका, ठीक है? This will be 4 into least count. And what is least count बेटा? Tell me. What is least count? So least count will be what? मैं वापस से, मैं डायरेक्ट वैसे नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है 10 में 9 है, मतलब 1 एमएसडी में 1 तो वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा ही, तो लीस्ट काउंट यहां पे वैलिड है, दैट इज 1 एमएसडी माइनस ऑफ 1 वीएसडी। क्या क्लियर है सबको ये बात? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली क्लियर सर, नो प्रॉब्लम इन दिस। सो कुड आई राइट प्यारे बच्चों, कुड आई राइट व्हाट इज 1 एमएसडी बेटा? दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, है ना? व्हाट इज 1, सॉरी द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, राइट बेटा? तो लिख देता हूं मैं इसको 0.1 सेंटीमीटर माइनस ऑफ, राइट, ये बेसिकली 1 mm लिखा हुआ, तो 1 mm ही लिख देता हूं, क्यों परेशान होना भी, मतलब में ये हो चुका है 1 mm, राइट, माइनस ऑफ 1 VSD। 1 VSD किसके बराबर है बेटा? देखो ध्यान से, 9/10 MSD के बराबर है। करेक्ट है कि नहीं है? तो ये लिखा हुआ है 1/10। क्लियर हो गया क्या बेटा? 1 minus 1/10 mm, ये हो चुका है 0.1 mm। क्लियर है क्या? लीस्ट काउंट कितना हो चुका है? 0.1 mm। अगर लीस्ट काउंट 0.1 mm है बेटा, क्लियर हो गया क्या? अगर लीस्ट काउंट कितना है बेटा? 0.1 mm है, तो एरर कितना हो जाएगा बेटा? 4 into व्हाट इज लीस्ट काउंट बेटा? 0.1 mm, दिस विल गिव यू 0.4 mm एज एरर। क्लियर हो गया? बिल्कुल। या फिर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते थे तो वहां से भी लगा सकते थे बेटा। क्या था? 1 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज 1 mm माइनस लीस्ट काउंट इनटू 6, तो वापस से भी कितना आ जाता बेटा? 0.4 mm। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव पुट इट आउट, राइट बच्चों? राइट सर, आगे चले। बिल्कुल सही सर, मचाए, बिल्कुल मचाते हैं सर, आ जाओ सर। एरर डायग्राम से अपन ने एरर निकाल लिया, अपनी चिंता क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं रीडिंग की। किसकी बात करते हैं बच्चों? रीडिंग की।
एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा उठा देते हैं अपन चीतों। नेक्स्ट बात करता हूं मैं रीडिंग की। रीडिंग को ध्यान से देखना बेटा, ना रीडिंग को ध्यान से देखेंगे देखेंगे अपन, रीडिंग को ध्यान से देखेंगे। इधर देख, तीन तो मेन स्केल में है ही सही, करेक्ट है कि नहीं? कौन सा वर्नियर स्केल वाला अलाइन हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने साथ। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अलाइंड वैल्यू इज, तो अगर मेजरमेंट में देखेगा, ध्यान से देख छोटे मेजरमेंट में देखेगा, तो देख फर्स्ट का जो डिवीजन है ये मैच हो रहा है। तो अगर तू फॉर्मूला वाइज जाना चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकता है। अब तो तू तीर बन चुका है, क्यों? क्योंकि सर ने आपको सिखा दिया है। डायरेक्टली आप लिखिए, क्या लिखोगे बेटा मुझे बताओ? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल में 3.1 तक क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? तो दिस इज 3.1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है बेटा मुझे बताओ? लीस्ट काउंट है 1/10 mm। लीस्ट काउंट कितना है बेटा? 1/10 mm, और यू कुड से 0.1 mm मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन। किस कौन सा लाइन हो रहा है? पहला वाला है। और एरर को क्या करना है? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है? सर हमको तो एरर को क्या करना है प्यारे बच्चों? ऐड करना है, क्योंकि एरर कैसा है? नेगेटिव है, एंड दैट इज प्लस 0.4 mm। देखो लो ध्यान से, कोई समस्या की बात नहीं है बेटा इसमें, राइट? चलिए, तो ये सब mm में था, ये भी mm में था, इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल गिव यू 3.1 प्लस 0.01 सेंटीमीटर प्लस 0.04, तो 4 और 1 5 और 3.1 3.15 सेंटीमीटर इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। दैट इज हाउ यू कैन हैव इजीली सॉल्व इट। बट देयर इज वन मोर अल्टरनेट व्हिच सूर्य सर विल टीच यू, एंड दैट इज व्हाट, व्हाट इज दिस? मैंने आपको बताया था सीधे, ज्यादा मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। जितना जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मूव किया होगा चीते, वही उसका आंसर होगा। देख मैं खटाक से निकाल के दिखाऊंगा तुझे, ध्यान से देखना। इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी, ऑब्वियसली कुछ एरर था। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर। कोई समस्या है या नहीं है? कोई समस्या नहीं है सर। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा मैच किया हुआ था। देखो बेटा इसका छठा वाला इसके साथ मैच किया हुआ था। क्लियर है कि नहीं है? छठा वाला इसके किसके साथ अलाइन था? 1, 2, 3, 4, 5 से अलाइन था, राइट? तो इसका सिक्स्थ डिवीजन इसके फिफ्थ डिवीजन से अलाइन था। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही। यहां से डायरेक्टली भी आप एरर निकाल सकते हैं, देखो कुछ जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, ये कितना है मुझे बताओ, दिख रहा है आपको? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 mm। दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज 5 mm। व्हाट इज दिस? दिस इज 6 vst। समझ में आया क्या? देखो ध्यान से, ये क्या है? ये प्लस 5 mm। देख लो, दोबारा बता रहा हूं बेटा मैं, देखो देखो ध्यान से, ये आगे कुछ एरर है। प्लस 5 mm, 1, 2, 3, 4, 5 mm इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 vst। आगे आंसर भाई, तेरे को क्या बता? एरर याद रखने की जरूरत थी क्या? मैं देख इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल एकदम लेमैन अप्रोच से करके जाऊंगा, देखा ना, कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा और आंसर तो को निकाल के दिखाऊंगा। नहीं सर, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। तो क्या बोल सकता था मैं? E प्लस 5 mm परफेक्ट शुड बी इज इक्वल टू 6 vst। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो दिस विल गिव यू व्हाट बच्चों? देखो ध्यान से, दिस विल गिव यू व्हाट? E as 6 vst माइनस ऑफ 5 mst। एब्सोल्युटली डैम सर। चलो, तो E इज इक्वल टू 6 × vst। बता चीते कितना है? बता छोटे, देख ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। 1 vst 9/10 mst के बराबर है, ठीक है? 9/10 माइनस 5। MSD महेंद्र सिंह धोनी, 6×9=54 में से 50 गया छोटे, 4/10 mst। क्या मेरे भाई बता दे, क्या ये 0.4 mst आ चुका है यार? नहीं बता दे, आ गया कि नहीं आ गया बता? इसमें मैंने कहीं भी कुछ फॉर्मूला लगाया क्या? बता, कुछ भी फॉर्मूला लगाया क्या? आप देख रहे हो, एक तो पहले आपके दिमाग में गलत माइंडसेट है फॉर्मूले का, ऊपर से आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्यों इतना भाई? जीवन में ऐसी समस्या थोड़ी ना है बेटा, कम ये भी ले, ठीक है? सो नीड नॉट टू
यू नो रिमेंबर एनी फॉर्मूला, जस्ट गो बाय द इंट्यूशन, है ना। आगे चलते हैं, रीडिंग वाला देख, रीडिंग वाला भी देख, ऐसे निकालूंगा मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं रीडिंग वाले में भी, मैं देख रहा हूं भाई यहां पे, देखो ध्यान से, ध्यान से देख, 3.2 वाला अलाइंड है भाई, दिख रहा है 3.2 वाला अलाइंड है, बिल्कुल सही सर। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन आया वहां पे, बिल्कुल सही सर। बैक करो, प्रीवियस जाओ, अरे आगे जा चाचे छोटे, चल। तो ये रहा 3 MSD और इसका दूसरा वाला, ये रहा 0 ऑफ वर्नियर स्केल, इसके पहले वाले के साथ अलाइंड है, राइट, बिल्कुल ऐसा कुछ है सीन, बिल्कुल सही। मैंने क्या बताया था ट्रिक तुझे, द लेंथ मूव्ड बाय 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज एक्चुअली द ट्रू रीडिंग। तो ध्यान से, इनिशियली कुछ ऐसा था, ये इनिशियल कंडीशन है या नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मुझे बता क्या ये ट्रू रीडिंग है क्या, अरे बिल्कुल सर। क्या ये ई है क्या, अरे बिल्कुल सर। तो क्या मैं कह दूं ई प्लस दिस लेंथ should be is equals to true reading plus 1 VSD। सिंपल अप्रोच है, देख मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी 30 मार्क का नहीं बनाऊ मैं भाई, पहले ही ऐसा था कि नहीं था, थोड़ा सा आगे निकला हुआ था कि नहीं, तो मैं बोल देता हूं, देख e plus 3 MSD 3.2 cm, कोई दिक्कत नहीं, 3.2 cm should be is equals to true reading plus 1 vernier scale division, खत्म। टू रीडिंग की वैल्यू आ चुकी है मेरे भाई, ई प्लस 3.2 माइनस 1 VSD। वनी वाला था ना, वनी वाला था कि सेकंड वाला था, हाँ पहला ही डिवीजन वो था, मैच था, क्लियर है, क्लियर है। बता ई की वैल्यू कितनी है छोटे, बता बता, अभी तुझे पता है 0.04 cm, बोलो यस और नो, बिल्कुल सही है सर। प्लस 3.24 cm माइनस 1 VSD किसके बराबर है बेटा, 1 VSD जो है वो 9/10 MSD के बराबर है, मतलब 0.9 × 0.1 cm, यही हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही सर। तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 3.24 माइनस 0.09 cm, क्या 24 में से 9 15 होता है क्या, यही बताना चाह रहा था छोटो कि देर वॉज वन मोर अल्टरनेट जिसके थ्रू आपको भैया किसी भी फॉर्मूले को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देख तो इस हिसाब से आप कोई भी सवाल कर सकते हो। अगला टॉपिक क्या आता है बताओ, स्क्रू गेज। अगला टॉपिक क्या होता है, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वर्नियर स्केल से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आसान है, तो ध्यान से समझना बेटा, इसके भी सवाल पूछे जाते हैं, पर ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर इज मैग्निफिशेंट वन, ठीक है। तो मेक श्योर करें बेटा, एक एक चीज जो बताई गई है आप उसको अच्छे से फॉलो करें। इस वीडियो में हो सकता है आपको दोबारा देखना पड़े तो आप दोबारा देखें, नो प्रॉब्लम इन इट, ताकि आपको और कन्विक्शन आ जाए इसके सवालों को करने के लिए। इस वीडियो को आप जितनी बार देखोगे ना, एक से दो बार देखोगे ना, तो अपने आप ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा वर्नियर कैलिपर में, ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें बताई गई। ऑलराइट, चलो अगला पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, स्क्रू गेज के बारे में चीजें। आ जा छोटे, स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रू गेज कुछ ऐसा दिखता है, स्क्रू गेज कुछ ऐसा दिखता है गाइस, है ना। गॉज बोले गुआज बोले समझ में नहीं आता, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखता है ऐसा ही, इंपॉर्टेंट है ना, सवाल करना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट, व्हाट दैट इज स्क्रू गेज, व्हाट एक्चुअली दीज थिंग्स आर। देयर इज अ फ्रेम, देयर इज अ थिंबल, दिस इज कॉल्ड इनफैक्ट ये स्लीव है, राइट, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, राइट, ऐसा ऐसा सर्कल टाइप का होता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे रीडिंग्स बनी हुई होती है, राइट बेटा, दिस इज मेन स्केल, क्लियर है, दिस इज मेन स्केल, इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, राइट, दिस इज सर्कुलर स्केल, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिस इज अ सर्कुलर स्केल, राइट, पिच स्केल बोलो या फिर मेन स्केल बोलो, ठीक है, देखना ध्यान से, अगर आप इसको रोटेट करते हो, क्या करते हो बेटा, आप इसको रोटेट करते हो तो ये अंदर की तरफ मूव होता है, राइट बेटा, सो दिस इज अ फिक्स्ड जॉइंट, क्लियर है, दिस वन इज अ फिक्स्ड, मतलब दिस होल स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, बट दिस स्क्रू एक्चुअली मूव्स ऑन द रोटेशन ऑफ थिंबल, ठीक है,
ठीक है बेटा, थिम्बल को आप रोटेट जैसे करोगे, रोटेट करोगे थिम्बल को ऐसे 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 रोटेट करोगे तो ये अंदर की तरफ निकलता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और ध्यान सुनना, और मान लो यहां पे आपको कुछ एलिमेंट का डायमीटर मेजर करना है, तो रीडिंग कैसे ली जाती है इसकी? बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां जनरली इसके अंदर ना 100 सर्कुलर डिवीजन होते हैं। ये वर्नियर स्केल से और ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। वर्नियर स्केल डेसिमल के 2 नंबर तक, डेसिमल के बाद रीडिंग अच्छी देता है, ये 3 नंबर तक दे सकता है। देखेंगे कैसे, राइट? डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस तक देखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। अच्छा, मतलब सर इसमें भी लीस्ट काउंट और वही टू रीडिंग वाली कहानी आएगी? बिल्कुल आएगी सर, इसके अंदर भी लीस्ट काउंट और टू रीडिंग वाली कहानी आएगी ही आएगी। तो कैसे मेजर करेगा, देखना ध्यान से। मतलब सबसे पहले इसमें पिच कैलकुलेट करेंगे। पिच कैलकुलेट करते वक्त, पिच बोलते वक्त ध्यान रखें आप थूके ना बैठा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड पिच। व्हाट इज पिच? पिच इज नथिंग बट द लेंथ मूव्ड बाय इट। ठीक है, द पिच इज नथिंग बट द लेंथ मूव्ड बाय इट इन वन कंप्लीट रोटेशन। देखना ध्यान से बेटा, तो पिच की डेफिनेशन क्या लिखूंगा? द लेंथ मूव्ड बाय, सॉरी, द लेंथ मूव्ड बाय द लेंथ मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल on main scale length moved by circular scale on main scale on rotation of one revolution। ये चीज क्या बताएगी, देखना ध्यान से। एक बार ना, एक रोटेशन, रेवोल्यूशन बोलो, रोटेशन बोलो, ऑन वन रोटेशन, रोटेशन बोलो, ऑन वन रोटेशन, ठीक है चीते? तो एक बार पूरे रोटेशन पे जितना ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे आगे बढ़ा है वो कहलाएगी पिच। वो क्या कहलाएगी बच्चे? पिच कहलाएगी। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं? अच्छा सर, 100 डिवीजन में अगर ये एल लेंथ आगे चलता है तो हर एक डिवीजन करस्पॉन्ड करता है किसको? लीस्ट काउंट को। तो देखिएगा ध्यान से, अगला जो टर्न आता है दैट इज लीस्ट काउंट होता है बेटा पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? ये पिच पता चल गई और उसको नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो अपने को पता चल गया ना कि भाई एक सर्कुलर डिवीजन एक्चुअली में कितने लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही एक सर्कुलर डिवीजन उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है जो मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। खत्म, मैटर क्या हो चुका है, क्लोज। एरर्स की मैं बात करता हूं, अब वापस है, ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी इसके अंदर, आपको पता ही है, मुझे बताओ, खटाक से बताओ ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी। अब देखना ध्यान से, इसके अंदर ये जो पिच लाइन है, देख रहे हो आप लोग पिच लाइन जो आप दिख रहे हो, इससे ध्यान सुन, नॉर्मल कंडीशन में तो जीरो एरर रहता है ना, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये पिच लाइन है, पिच लाइन से ये जीरो अलाइंड है, करेक्ट है? जीरो नीचे भी हो सकता है, जीरो ऊपर भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है। तो जो ट्रू रीडिंग होती है वो क्या होती है, सबसे पहले तो जितनी भी मेन स्केल दिख रही है रीडिंग, ये हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस व्हाट? प्लस वेरी सिंपल थिंग सर, व्हाट बेटा? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन aligned with what बेटा? पिच लाइन। मैटर क्लोज हो चुका है, और प्लस माइनस ही लिख देता हूं बेटा वापस,
वही वाली कहानी पुरानी, कुछ नया नहीं है इसमें। क्लियर है क्या? क्लियर है सर, बिल्कुल सर क्लियर है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर यहां 45 दिखा रहा है, मान लो ये 45 वाला जीरो के साथ अलाइन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? लीस्ट काउंट इनटू 45 शिफ्ट हुआ होगा, तभी तो वो 45 दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही। 50 दिखा रहा होता मतलब लीस्ट काउंट इनटू 50 शिफ्ट हुआ होगा, तभी तो वो 50 दिखा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो याद रखना है, व्हाट इज पिच? पिच इज नथिंग बट द लेंथ मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। व्हाट इज लीस्ट काउंट हियर? इट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। व्हाट इज टू रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट टाइम्स ऑफ अलाइंड वैल्यू ऑफ सर्कुलर डिवीजन विद द पिच लाइन। क्लियर हुआ क्या प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही सर। जीरो एरर, आ जाओ, जीरो जीरो अलाइंड हो। अब एक बात बताओ, पहले से ही अगर ये जीरो नीचे है तो कैसा एरर है? पॉजिटिव एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि पहले से ही कोई ना कोई वैल्यूज लेके बैठा है। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही सर। अच्छा, आप एक बार ध्यान से देखिएगा इन तीनों चीजों में, है ना, इनकी जो मार्किंग है, इनकी जो मार्किंग है वो ऊपर की तरफ दिखाई गई है। कैसी होती है मार्किंग? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा पूरा घूम के। ये 50 का है, ये कितने का है बेटा? 50 का है। ऐसे कितने का होता है? 100। तो 0 से लेकर 100 की मार्किंग होती है, समझ रहे? ऐसे ऊपर। तो अगर मान लो इसका 0 ऊपर है या फिर नीचे, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर नीचे है तो इसके सामने कोई और वैल्यू होगी जो 0 से ज्यादा होगी, मतलब ये ऑलरेडी उतना एरर पहले से ही लेके चल रहा है और ये एरर कहलाता है पॉजिटिव एरर। तो करेक्शन में ये बन जाएगा नेगेटिव। और अगर मान लो ये 0 पहले से ऊपर है, मतलब क्या? मतलब ये भाई पहले से ही कोई कम वैल्यू लेके चल रहा है, तो इसके लिए करेक्शन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सॉरी, इसके लिए करेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव और एरर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। देख लो आप लोग, 0 ऊपर, नेगेटिव एरर। करेक्शन कैसा रहेगा बेटा इसके लिए? पॉजिटिव। इसके लिए करेक्शन कैसा रहेगा? क्या आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसके अंदर भी वही कहानी आती है, वही तमाशा आता है जो हमने एरर, नेगेटिव एरर के लिए वहां निकाला था। तो यहां पे भी क्या तमाशा आएगा मुझे बताओ? यहां पे क्या करूंगा मैं सर? यहां पे आप एक काम करो, आपको एरर निकालना है ना पॉजिटिव के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब नेगेटिव एरर आएगा तो मान लो 95 है, तो क्या वो एक्चुअली में 95 चला है? नहीं, वो 95 नहीं चला है मेरे भाई, वो एक्चुअली में कितना चला है? 5 चला है नेगेटिव डायरेक्शन, जैसे वहां हुआ था। देखो जरा, अब एक बात बताओ, जब ये 0 ऊपर जाएगा तो इसके सामने ये कितना आके मैच हुआ है? देखो इसी में, देखो 44 आके मैच हुआ। तो क्या इसका एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर की बात कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव एरर है मेरे भाई कोई समस्या नहीं, पॉजिटिव एरर है कोई समस्या नहीं है। देख ध्यान से, ये है, इसके आगे 2 या 3 ही होगा, कोई समस्या है ही नहीं। तो पॉजिटिव एरर है तो सीधे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल। नेगेटिव एरर अगर है, नेगेटिव एरर अगर है तो समस्या है। कैसे समस्या है सर? ये 44 थोड़ी ना, ये एक्चुअल में तो कितना ही मूव किया है सर, बताइए ना। 1, 2, 3, 4 ही तो मूव किया सर, एक्चुअल में 4 ही तो मूव किया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो क्या करोगे आप मुझे बताओ? तो या तो दो तरीका है, या तो कितना तरीका है बेटा? दो तरीका है। एक्चुअल फिगर काउंट कर लो, जो मैं हमेशा बिलीव करता हूं, फॉर्मूला लिख रहा नहीं, बिलीव ही नहीं करता हूं, हाँ या ना। तो इसको ऐसा कर सकते हो, इसको ऐसा कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जितने भी होंगे इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर एक्चुअली में कितने हैं बताओ जरा खटाक से? 0, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसके अंदर 50 है, इसके केस में कितने हैं? 50 है। अगर इसमें 50 है तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर इन दिस केस। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बना दूं नेगेटिव एरर के लिए? नेगेटिव एरर के लिए क्या बोल दूं बेटा? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन माइनस अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। और इसी के साथ स्क्रू गेज का भी मैटर होता है समाप्त।
क्या होता है बेटा? मैटर होता है समाप्त। ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं, अगर मान लो यहाँ पे एक रीडिंग दी रही थी 2.3 रीडिंग दिया होता कुछ, करेक्ट है कि नहीं है? और मान लो इधर 44th मैच कर रहा होता, सिंपल लीस्ट काउंट निकालते हैं इसका, क्लियर हो गया कि नहीं, और सॉल्व कर लेते। तो मेक श्योर करना आप स्क्रू गेज का, आप स्क्रू गेज का पी वाई कोई भी उठा के आप करें सेम इसी कंसेप्ट पे, भाई साहब आप सब चीज बूम बाम कर दोगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। मैं एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ बेटा, खटाक से ध्यान सुन ले, मैटर क्लोज करना है। आई होप तुमने नोट भी बना लिया हो, अब सवाल लगाने बैठ जाना बेटा चुपचाप से, है ना, ताकि तेरे को कन्विक्शन अभी के अभी आ जाए, राइट। और इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा, क्या कि लीस्ट काउंट इज नॉट ऑलवेज 1 MSD - 1 VSD, वी नीड टू कैलकुलेट इट फॉर इट, राइट बेटा। और इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड एनी एरर कैलकुलेशन, जस्ट सिंपली राइट डाउन द डिस्टेंसेज ऑफ दीज टू स्केल्स एंड इक्वेट इट टू गेट द ट्रू रीडिंग, एंड यू नीड टू जस्ट मेक श्योर दैट वॉट ट्रू रीडिंग इज, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एक्चुअली द ट्रू रीडिंग, दैट इज ऑल यू नीड इन अ वर्नियर स्केल प्रॉब्लम। वाई इन केस ऑफ स्क्रू गेज यू नीड टू मेंटेन इट लाइक दैट, भाई साहब जो पिच होता है दैट इज एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे या फिर एक कंप्लीट रोटेशन पे जितना थिम्बल मूव करता है या फिर जितना सर्कुलर स्केल डिवीजन मूव करता है वो पिच बन जाता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, ये बात हमें मालूम चल गई क्या, कि भैया नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन को एक बार पूरे रोटेट करने पे जो लेंथ चल रहा है वो पिच है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बेटा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। मैटर क्या है, क्लोज है, टू रीडिंग ऐसे ही निकालना है। एरर दोनों के केस में आप बहुत ही इत्मीनान से निकालेंगे। अगर नेगेटिव एरर होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, नेगेटिव एरर होगा तो मेक श्योर करें या तो पीछे से काउंट करने दिया हुआ है तो, या तो फिर वन मेन स्केल डिवीजन माइनस अलाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट लीस्ट काउंट विल बी द एरर कैलकुलेशन। व्हाइल इन पॉजिटिव एरर इट डजंट मैटर एट ऑल कि आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेरे सेशंस हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हों। बच्चों आपका ही मोटिवेशन हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेक श्योर करें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या आपको वर्नियर स्केल एकदम बूम बूम तरीके से समझ में आया। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर रिकमेंड करें प्यारे बच्चों, ताकि वो भी इस चीज को सीख पाए। ऑल राइट एवरी वन, ऑल राइट राइट सर, तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए, कुछ अमेजिंग इसी टाइप का, थोड़े से ऑफ बीट जो टॉपिक्स होते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर लेके आऊंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे क्लास, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।